नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज संपूर्ण हिंदुस्तान मना रहा है हिंदी दिवस। अब डीयू जेएनयू में भी एडमिशन ले सकेंगे मदरसा बोर्ड के छात्र। भाजपा के सांसद प्रिंस राज पर हुआ केस दर्ज। 67वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 20 सितंबर को जारी होगी नोटिस। चुनाव से पहले ही जमुई के जिला पार्षद का नाम हुआ तय। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आज संपूर्ण हिंदुस्तान मना रहा है हिंदी दिवस। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा आज ही के दिन 14 सितंबर को साल 1949 में दिया गया था। आजादी के बाद संविधान निर्माता अंग्रेजी और हिंदी को लेकर दुविधा में रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विरोध में थे, जिसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही आधिकारिक भाषा चुना गया और बाद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली। हालांकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की प्रथा 14 सितंबर साल 1953 से शुरू हुई। हिंदी दिवस को स्कूल, कॉलेज और कार्यालयों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। इस दिन साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व और इतिहास के बारे में बताया जाता है। अब डीयू जेएनयू में भी एडमिशन ले सकेंगे मदरसा बोर्ड के छात्र। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी यानी कि 12वीं पास करने वाले छात्र अब दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू और इग्नू से स्नातक की पढ़ाई कर पाएंगे। इसकी जानकारी बोर्ड के एकेडमिक इंचार्ज मोहम्मद नूर इस्लाम ने दी। उन्होंने बताया कि मौलवी के प्रमाण पत्र को अब दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू आदि में मान्यता मिल गई है। अब छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इन विश्वविद्यालयों में नामांकन ले पाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल कयूम अंसारी ने बताया कि बोर्ड द्वारा कई कोशिशों के बाद यह सफलता मिली है। इसके असर से मदरसा बोर्ड के छात्रों को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल पाएगी। लोजपा के सांसद प्रिंस राज पर केस दर्ज। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक संगीन आपराधिक मामला दर्ज किया है। एक महिला द्वारा 3 महीने पहले की गई शिकायत के आधार पर प्रिंस राज के खिलाफ आपत्तिजनक कृत्य, आपराधिक साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने जैसे आरोप में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्राथमिकी में लोजपा नेता चिराग पासवान का भी नाम आया है। महिला का आरोप है कि शिकायत मिलने के बावजूद अपने चचेरे भाई प्रिंस के खिलाफ कार्रवाई में चिराग पासवान ने देरी की। यह प्राथमिकी दिल्ली की एक अदालत के निर्देश पर 9 सितंबर को दर्ज की गई। कल जारी होगी तीसरे चरण के लिए अधिसूचना। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 11 चरणों में संपन्न होना है, जिसके पहले और दूसरे चरण के नामांकन का दौर खत्म भी हो गया है। अब कल बुधवार को तीसरे चरण में शामिल प्रखंडों के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके तहत कल 35 जिलों के 50 प्रखंडों के लिए चुनावी अधिसूचना जारी की जाएगी और फिर इस फेज में प्रत्याशियों का नामांकन भी 16 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस फेज में आने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में गुरुवार से भर पाएंगे। अब जानते हैं राज्य में मौसम के बदले मिजाज के बारे में। सूबे में करीब 2 हफ्तों के बाद फिर से मानसून सक्रिय हुआ है और लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिससे बीते दिन नमी युक्त हवा का प्रवाह बना रहा और इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। हालांकि इस सिस्टम से लेकिन भारी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अलग अलग जिलों में 15 सितंबर तक छिटपुट बारिश जरूर होती रहेगी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से ओडिशा तट पर दबाव बना हुआ है, उसका आंशिक असर बिहार पर भी पड़ सकता है, जिससे राज्य के दक्षिणी भाग में बारिश हो सकती है। 67वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 20 सितंबर को जारी होगी नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख में थोड़ा बदलाव किया गया है और अब यह 20 सितंबर को जारी होगी। इसके तहत 503 पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए आयोग की तरफ से आवेदन मांगे जाएंगे। आयोग के मुताबिक 12 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी ले ली जाएगी। अब तक डीएसपी के लिए कोई पद नहीं आए हैं। वहीं परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार का कहना है कि 67वीं के लिए 1 हफ्ते के अंदर रिक्तियां आ जाएंगी। इस बार ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक 133 पद है, वहीं नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद और बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद शामिल है। आगे पीटी परीक्षा होने तक में अगर बहाली आती है तो उसे भी जोड़ लिया जाएगा। वहीं 65वीं बीपीएससी मेंस का फाइनल परिणाम सितंबर के अंत या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आ जाने की बात कही गई।
इस बार भी गया में नहीं लगेगा पितृपक्ष मेला। 20 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है, लेकिन इस बार भी कोरोना महामारी के मद्देनजर गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं होने वाला है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों को पिंड दान करने की इजाजत दे दी गई है। इसके लिए भी कई गाइडलाइंस जारी हुए हैं। बड़े समूह में लोगों के आने पर प्रतिबंध रहेगा, तो वहीं बाहर से पिंड दान करने आने वाले लोगों के लिए कोरोना जांच और टीका लेना अनिवार्य होगा। इस बार सीमित संख्या में ही लोग पिंड दान कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि गया में इस साल पिंड दानियों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसा संक्रमण को देखते हुए किया गया है। बताते चले कि 15 दिनों तक पिंड दान करने का सिलसिला चलता रहेगा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए राजद व कांग्रेस में नहीं बन रही बात। बिहार में आने वाले कुछ दिनों के बाद दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत तारापुर और कुशेश्वर स्थान के विधायक का चुनाव होना है। लेकिन इस बीच महागठबंधन के राजद और कांग्रेस में ही आपस में बात नहीं बन रही है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पिछले हफ्ते ही कुशेश्वर स्थान गए थे, जहां एक कार्यक्रम में मंच से ही दोनों ही सीटों पर राजद के उम्मीदवार खड़े करने का दावा कर दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी दावा को नहीं छोड़ा है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा का कहना है कि पिछली बार मात्र 7,000 वोटों से उनकी हार हुई थी, हम दावा नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में यह असहमति महागठबंधन के कुल सीटों पर भी असर छोड़ सकती है। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को मुख्यमंत्री ने किया खारिज। पटना के बख्तियारपुर प्रखंड का नाम बदलने की मांग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मीडिया के सामने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह बेकार की मांग है, बख्तियारपुर का नाम नहीं बदला जाएगा, इसके बारे में बिना मतलब की चर्चा की जा रही है। बताते चले कि भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने यह मांग रखी थी कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश नगर रखना चाहिए, क्योंकि वे वहां पले बढ़े और पढ़े हैं। इसे लेकर किए गए सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जिस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर में कैंप करके नष्ट किया था, उसी नालंदा विश्वविद्यालय को एक आदमी नए सिरे से बनवा रहा है, इसलिए उनके नाम पर बख्तियारपुर का नाम रख देना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने फिर लगाए अफसरशाही पर आरोप। बिहार में अफसरों की मनमानी का आरोप खुद सत्ता पक्ष के नेता लगाते दिख रहे हैं। जहां पहले यह मुद्दा विपक्षी दलों का होता था, वहीं अब खुद सत्ताधारी नेताओं को अधिकारियों से दिक्कत होने लगी है। इस क्रम में जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बिहार यात्रा के क्रम में बड़ा बयान दिया है और राज्य के अफसरों को बेलगाम बताया है। पूर्णिया परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारीगण सत्ताधर दल के नेताओं की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अधिकारियों को सीएम का संदेश ग्रहण करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसी चीजों को टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पर बिहार में दर्ज हुआ परिवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवाद दर्ज करवाया गया है। दरअसल यह परिवाद मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के एक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीजीएम के अदालत में दाखिल कराया है और इसमें योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया गया है। कार्यकर्ता का आरोप है कि 12 सितंबर को विभिन्न न्यूज पोर्टल एवं समाचार पत्रों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समुदाय विशेष को टारगेट कर उसे अपमानित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने बयान देकर कहा था कि अब्बा जान कहने वाले पहले गरीबों का राशन डकारते थे। उनका इस तरह का बयान एक समुदाय विशेष को अपमानित करने वाला बयान है। अब इस मामले को स्वीकारा जाता है या नहीं, इस पर 21 सितंबर को सुनवाई होगी। झारखंड में संगठन का विस्तार करेंगे बिहार के सत्ताधारी और विपक्षी दल। बिहार से सटे राज्य झारखंड में भी अपने संगठन का विस्तार करने के प्रयास राज्य की सत्ताधारी दल जदयू और विपक्षी पार्टी आरजेडी कर रही है। इसके तहत जहां एक तरफ तेजस्वी यादव 18 सितंबर को झारखंड के दौरे पर जाने वाले हैं और दो दिनों के झारखंड दौरे पर वे आरजेडी को पड़ोसी राज्य में मजबूत बनाने को लेकर बैठक करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी का विस्तार झारखंड में करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लिया है। इसके तहत बीते दिन उन्होंने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें झारखंड में जदयू के विस्तार करने को लेकर चर्चा हुई। चुनाव से पहले ही जमुई के जिला पार्षद का नाम हुआ है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सियासत तेज हो गई है। मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब गांव में चुनावी राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को पहले चरण की नाम वापसी की तारीख समाप्त हो गई। इसके साथ ही एक बड़ी खबर जमुई से सामने आई है, जिसमें जमुई जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 से दुलारी देवी अकेली उम्मीदवार है। इस सीट से जिला पार्षद के लिए 6 लोगों ने ही पर्चा भरा था। बीते दिन नाम वापसी के दिन 5 लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद इस हिसाब से माना
जा रहा है कि दुलारी देवी निर्विरोध रूप से निर्वाचित मानी जा सकती है। गौतम गंभीर ने केएल राहुल की कड़ी तारीफ। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इसी बीच आईपीएल में पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल से गौतम गंभीर ने शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि तीनों सत्र में 50 से ऊपर की औसत के बावजूद अभी तक हमने राहुल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं देखा है। बताते चले कि आईपीएल स्थगित होने से पहले केएल राहुल ने 7 मैचों में 66 की औसत से कुल 331 रन बनाए हैं, जिनमें 4 अर्धशतक शामिल है। राहुल 2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाजों में शामिल है। बिहार में 5 जिले से आए कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए बीते दिन के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1,30,488 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक दरभंगा से 2 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गोपालगंज, जहानाबाद, पटना और वैशाली जिले से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 10 लोग बीमारी से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 76 हो गई है। वहीं रिकवरी दर की बात करें तो यह 98.65% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।